बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, अपने चैनल की एक्सपेरिमेंटल कुकिंग चैनल की नई वीडियो के साथ मैं हाज़िर हूँ। आज हम एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं नूडल्स के साथ। नूडल्स मतलब ये है कि जैसे नॉर्मली बच्चे जो है वो शौक से खाते हैं, नूडल्स हो गए और अंडे हो गए, लेकिन ये कि सब्ज़ी वगैरह अगर वो आप बना के दें उन्हें तो उनमें उनका थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है कि वो नहीं खाते। तो इसी सोच को लेकर आज मैंने सोचा कि मतलब ये है कि नूडल्स जो हैं वो सब्ज़ी के साथ और कुछ नया बनाया जाए ताकि बच्चे भी जो हैं वो शौक से खा सकें। तो अब देखते हैं, बनाते हैं, फिर देखते हैं कि क्या बनता है और आया बच्चे खाते हैं या नहीं खाते। ये एक्सपेरिमेंट हमारा पास होता है या नहीं। तो इसके इंग्रेडिएंट्स में हमें चाहिए होगा, मतलब ये है कि ये नूडल्स चाहिए हमें, दो अदद किसी भी कंपनी के आप ले सकते हैं, दो अदद नूडल्स ले लें, और उसके साथ हमें ये दो अदद गाजरें जो हैं वो इस तरह कटी हुई हों, और एक अदद आलू हमें चाहिए, और ये हमें एक कप आधा कप के करीब जो है हमें मटर चाहिए होंगे, और ये साथ में हमारे पास फूल गोभी होगी, और एक टमाटर हमें चाहिए होगा इस तरह, और उसके साथ हमें ये शिमला मिर्च मतलब दो छोटे साइज़ की जो है वो इस तरह आप काट लें, और उसके साथ हमें ये चाहिए होगी हरी प्याज एक अदद जो है वो इस तरह ही काफ़ी होगी इनफ। और ये जो मसाला है, ये मसाला है नूडल्स मतलब ये कंपनी का नाम तो मैं नहीं ले रहा, फिर ये है कि कॉपीराइट का इशू होता है, तो इस वजह से ये किसी भी नूडल्स में जो मसाला मौजूद होता है, ये दो अलग अलग फ्लेवर के मसाले मैंने इसमें मतलब ये के डाले हुए हैं। और उसके साथ हमें ये कि तकरीबन डेढ़ छोटे चम्मच हमें चाहिए होगा अदरक लहसुन का पेस्ट, और एक अदद हमें इस तरह बॉयल अंडा इस तरह कटा हुआ गार्निशिंग के लिए। और मसाले जो हैं अपने हम इस्तेमाल करेंगे, उसमें हमें चाहिए होगा तकरीबन एक छोटा चम्मच इस तरह नमक, और आधी छोटी चम्मच हमें चाहिए होगी हल्दी, और इसी तरह आधी चम्मच जो है हमें चाहिए होगी काली मिर्च, और उसके साथ ये है हमारे पास धनिया, पिसा हुआ धनिया हो गया, और ये लाल मिर्च पिसी हुई, और ये है आधा छोटा चम्मच गरम मसाला। तो आइए व्यूअर्स ट्राई करते हैं, देखते हैं फिर हम क्या बना पाते हैं। जी व्यूअर्स, सबसे पहले जो है हम नूडल्स को जो है बॉईल करेंगे। अच्छा, बॉईल करने के लिए जो है हल्दी का जो इस्तेमाल है वो हल्दी मसाले में मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि हल्दी का इस्तेमाल आप अपने खानों में, ख़ासतौर पर बच्चों के खानों में जो है वो लाजमी किया करें, क्योंकि हल्दी जो है वो हड्डियों को मज़बूत करती है बच्चों के ख़ासतौर पे। तो बच्चों के खानों में हल्दी का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा मिकदार में नहीं, तो कम से कम ये है कि थोड़ी मिकदार में जो है वो ज़रूर किया करें, ताकि बच्चों के लिए ये चीज़ फ़ायदेमंद है, बच्चों को इससे फ़ायदा पहुँचे। तो जब तक ये नूडल्स बॉयल होते हैं हम थोड़ा वेट करते हैं, जब बॉयल हो जाएंगे तो फिर आगे बनाते हैं। अच्छा व्यूअर्स, ये नूडल्स बॉयल होना शुरू हो गए हैं, अब इनको अच्छे तरीके से बॉयल कर लें, ताकि तकरीबन वैसे नॉर्मली कहा जाता है कि दो मिनट तक, तो लेकिन ये है कि दो मिनट या तीन मिनट चार मिनट जितने भी मतलब ये कि वो तो कुकिंग के दौरान ही पता चलता है कि आया चीज़ सही तरह पक चुकी है, कुक हो चुकी है या नहीं। तो आप देख लें पहले उसको कि मतलब अच्छे तरीके से बॉयल हो जाएँ, कच्चे ना रह जाएँ, कच्चे रह जाएँगे तो फिर वो एक अजीब सा टेस्ट होता है, फिर वो चीज़ ज़ाया हो जाती है, और बच्चे भी फिर शौक से नहीं खाते तो वो इंसान की अपनी मेहनत जो है वो भी ज़ाया हो जाती है। तो अभी हम वेट करते हैं जब तक ये कम्प्लीटली बॉयल्ड हो जाए, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो व्यूअर्स ये हमारे नूडल्स तकरीबन बॉयल हो चुके हैं, तो अब हम क्या करेंगे कि इसमें इसको ठंडा पानी इसके अंदर से गुजार के इसको थोड़ा सा ठंडा करके फिर इसके अंदर हम ऑयल थोड़ा सा दो चम्मच खाने के जो है वो मिक्स करके रख देंगे, ताकि ये आपस में स्टिक ना हो जाए, आपस में चिपक ना जाए। तो अब हम इसमें से ठंडा पानी गुजार के ऑयल लगा के इसको रख देते हैं। जी ये हमारे पास नूडल्स आ गए हैं, तो अब हम इसमें दो चम्मच ऑयल इस्तेमाल करेंगे। मैं तो इसमें मतलब ये है कि नॉर्मली ऑलिव ऑयल इस्तेमाल कर रहा हूँ बच्चों के लिए, जो ये भी फ़ायदेमंद होता है ऑलिव ऑयल, आप बच्चों के खानों में इस्तेमाल किया करें। तो दो चम्मच ये हम इसमें इस्तेमाल मिक्स करके अच्छे तरीके से,
जी व्यूअर्स, हम अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब हम इसमें ऑयल लेंगे तकरीबन 5 से 6 खाने के चम्मच। अब हम इसमें डालेंगे हरी प्याज और इसको हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। ये तकरीबन फ्राई हो चुकी है। अब हम इसमें शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। और इसके साथ शामिल करेंगे जो टमाटर हमने काट के डाले थे, हम इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे ताकि टमाटर गल जाए। अब हम इसमें शामिल करेंगे जो हमारे मसाले थे जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, वो सारे नमक समेत, और जो नूडल्स में जो मसाला था वो हल्का सा फ्राई करेंगे। अब हम इसमें तकरीबन आधे गिलास के करीब पानी शामिल करके इसमें वो तमाम सब्ज़ियाँ जो हैं वो जो हमने काट के रखी हुई है वो अब हम इसमें डाल देंगे। इस चीज़ का हमने ध्यान रखना है कि सब्ज़ियाँ ख़ुद भी अपना पानी छोड़ती हैं, तो फ्राई करने के दौरान तो हमने पानी जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। अब हम इसको जब तक ये फ्राई हो जाती है अच्छे तरीके से, हम इसको फ्राई करते हैं ताकि ये गल जाए। अच्छा व्यूअर्स, अब इसमें हम पानी भी शामिल कर चुके हैं, सब्ज़ी भी शामिल कर चुके हैं, अब हम इसको भून रहे हैं। तो आँच इसकी हल्की करके इसको ढाल देंगे थोड़ी देर के लिए। अब हम इसको हल्की आँच करके थोड़ी देर के लिए इसको दम पे रख लें या फिर जो कहें आप इसको, ताकि ये गल जाए अच्छे तरीके से और अपना पानी जो है वो भी छोड़ दें। जब भी अपना पानी छोड़ देंगे तो फिर सब्जियों को हम थोड़ा सा मज़ीद भून लेंगे। ये देखें व्यूअर्स, सब्ज़ी जो है वो अपना पानी तकरीबन छोड़ रही है। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं इसको दम पे रखे हुए। अब हम इसको थोड़ा सा मज़ीद रख देते हैं ढाँक के, ताकि ये अपना पानी छोड़ के मज़ीद खुश्क हो जाए और गल जाए। अच्छा तो व्यूअर्स, अब हम चेक करते हैं, तकरीबन पानी जो है इसके अंदर छोड़ चुकी है। अब इससे मज़ीद सब्ज़ी की गुंजाइश नहीं है कि वो मज़ीद खुश्क हो। तो अब हम इसको थोड़ी सी तेज़ आंच करके भून लेते हैं ताकि जो रही सही कसर है वो भी पूरी हो जाए। तेज़ आंच पे हमने भून लिया इसको, हम आज इसकी स्लो कर देंगे और हम इसमें शामिल कर देंगे नूडल्स। फाइनली अब हम इसमें शामिल करने लगे हैं नूडल्स, जो कि ये देखें थोड़े से स्टिकी हो गए हैं। ये फाइनली हमारे पास मिक्स होने के बाद ये शेप आई है, नूडल्स प्लस सब्ज़ी। अब हम इस डिश को क्या नाम दें, जो मुझे समझ आती है वो तो मैं नाम दे दूँगा। बहरहाल आप भी कमेंट्स में हमें बताइएगा कि हम इसको क्या नाम दें। और अब हम फाइनली अब हम इसको गार्निश करेंगे बॉयल्ड अंडे जो हमने किए थे। गार्निशिंग की मेरे ख्याल में ज़रूरत तो नहीं है, बहरहाल गार्निश अगर आप मज़ीद करना चाहें तो वो फिर आपकी वाले मिशन। तो मैं थंबनेल के लिए एक गार्निशिंग जो है वो इस्तेमाल करूँगा। देखो ये मेरा एक दूसरा एक्सपेरिमेंट था कि जो कि देखें टेस्ट तो माशाल्लाह इसका बहुत प्यारा है। अब हम बच्चों को खिला के देखेंगे कि बच्चे खाते या नहीं। मेन मकसद हमारा यही था कि बच्चों को खिलाना। आई होप कि ये डिश भी आपके बच्चों को भी पसंद आए, और अगर पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट में बताइएगा कि ये डिश कैसी बनी है, और शेयर भी कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि मुझे मज़ीद मॉरल सपोर्ट आपकी मिल सके और मैं मज़ीद इस तरह नए नए एक्सपेरिमेंट करके मज़ीद नई नई डिशेस आपके लिए ला सकूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में, और कमेंट में हमें बताइएगा कि आप कौन सा एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, या आप ऐसा कौन सा एक्सपेरिमेंट चाहते हैं कि जो हम करें, तो आपके भी थॉट्स हैं वो भी बताइएगा कमेंट्स में, ज़रूर आगाह कीजिएगा हमें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।